सागर के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में भगवान श्री राम के जयकारे लगाने पर स्कूली बच्चों को सस्पेंड करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। स्कूल के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों द्वारा जय श्री राम के जयकारे लगाए जाने पर यह पूरी कार्यवाही स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई थी, जिसके बाद अब ABVP के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। दरअसल बीते दिनों सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 17 बच्चों को निलंबित किया गया था। इनमें से कुछ बच्चों को माफीनामा लिखवा कर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद सोमवार को ABVP के कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। साथ ही आरोप लगाया है कि बच्चों को जय श्री राम के नारे लगाए जाने पर सस्पेंड किया गया है। वह स्कूल प्रबंधन की इस कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। में छपा था कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट नामक विद्यालय में, जो कि एक मिशनरी विद्यालय है, उसमें कम से कम 1.5 से 2 दर्जन छात्रों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंड क्यों किया गया है? क्योंकि बच्चों ने जय श्री राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लिया है। इस विषय को लेकर इन छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब आप हमें यह बताइए कि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार है हर छात्र के पास, छात्रों के पास या पूरे भारत के जितने भी व्यक्ति है, सिटीजन, सबके पास एक मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार, लाइफ टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो किस हिसाब से इन जो विद्यालय प्रशासन है, किस हिसाब से इन लोगों ने छात्रों को सस्पेंड किया है, किस बेस पर सस्पेंड किया है, क्या चाहते हैं आप? श्री राम का नाम हम क्यों नहीं लें? वो हमारे आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे राम है। हम लोग कॉलेज पे कार्रवाई चाहते हैं और हम लोग ये भी चाहते हैं कि स्कूल ही बंद हो, ये जो स्कूल है पूरा स्कूल ही बंद हो। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल की प्रिंसिपल मौली थॉमस का कहना है कि लंच ब्रेक में कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हंगामा व जूनियर छात्रों को परेशान कर रहे थे। इस बात को लेकर एक प्रमुख विद्यार्थी को सस्पेंड किया गया है। 17 विद्यार्थियों को सस्पेंड करने की जो बात चल रही है वह पूर्णतः गलत है। स्कूल प्रबंधन द्वारा सिर्फ एक ही छात्र को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया है। यह अंबर बच्चों को यह एक विंग से दूसरा विंग जाना अलाउ नहीं है, लेकिन बच्चे उस दिन फ्राइडे को एक विंग से दूसरा, जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं मिडिल स्कूल का, वहाँ पर चले गया। और टीचर लोग जो ड्यूटी पे थे उन लोग उनको बोला गो बैक, बच्चों को गो बैक बोला, तो टीचर लोग को वोटिंग करते हुए उन लोग जो टीचर ने बोला गो बैक उसको दोहराया। उसके बाद टीचर ने हमारे पास रिपोर्ट किया, तो मैं इनडिसिप्लिन क्रिएट करने के वजह से मैंने उनको एक बच्चे को सस्पेंड किया उस दिन, इतना ही। ऐसा कुछ इधर हुआ नहीं है, ये पेपर एक पेपर में आया है उसी के अनुसार इन लोग रिएक्ट कर रहे, ऐसा कुछ इधर हुआ नहीं है। बाल संरक्षण आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया, हमारे पास कोई लेटर अभी तक आया नहीं है उसके बारे में। नहीं, मैं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन जितना इधर हुआ है मैं आपको बताया है। थैंक यू। प्रशासन ने आया नहीं, इसी के वजह जो पेपर में जो न्यूज़ आया था उसी के वजह से उन लोग इधर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।